सुना है कि जिन जानवरों का गोश्त आप पकाती हैं, हाँ, गाय का, बकरे का, बकरी का, हाँ, या दुम्बे का, तो मैंने सुना है कि वो ख्वाब में आके आपके हाथ चूम लेते हैं, कि रात बाजी जैसा आपने पका दिया, हम इस काबिल नहीं थे, ऐसा मैंने सुना है। ऐसा नहीं, मैं हमेशा ख्वाब में अगर देखती हूँ तो मैं उन्हें सही सलामत देखती हूँ, उनके सर पे हाथ फेर रही होती हूँ के बेटा मुझे माफ कर देना, मुझे माफ, जरूरतन तुम्हें ज़िबा किया है, मैं तुम्हें इतना भूनना नहीं चाहती थी, बिल्कुल बिल्कुल, मगर मैं भून बैठी, क्या करूं, इस भून को मेरी भूल समझना, हाय हाय हाय, अच्छा कभी किसी जानवर पे तरस आया? इमोशन सारे जब होते हैं जब जिंदा होता है, उसके बाद नहीं। आप सोचती है जिंदा को देख के अभी से मैं पकाऊंगी? आप तो देख देख के जानवरों को हिसाब लगाते हैं कि कितने में पक जाएगा, नहीं, इसमें कितना मसाला लगेगा। अच्छा, खड़ी हुई जिंदा गाय को देख के बता सकिए इसमें अदरक कितने लगे? आपको कैसे मालूम सारी बातें? मछली पे कभी तरस आया, उसको पानी में से निकाल के आपने उसके तवे पे फड़ाक फड़ाक फड़ाक? नहीं, ऐसे नहीं, आप यूं यूं करके तो पकाते, मैंने देखा खुद मछली पकाते, वो तो गुजर चुकी होती है ना, मतलब मर चुकी होती है, आपके वहाँ मरी भी आती है? आपने कभी जिंदा नहीं निकाल के पकाई? नहीं नहीं, जिंदा को नहीं, जब तक मारेंगे ना तो डायरेक्ट तो मैं नहीं डालूंगी, तो जालिम नहीं। मतलब आपने कभी काटा खुद से मछली को या इन चीजों को, मुर्गी वगैरह को? मुर्गी को जिबा नहीं किया, वैसे पूरी काटी, जिबा नहीं करती मैं, जिबा आप नहीं कर सकते, उसमें तरस आता है, करते वो जिबा मर्द करते, मर्द वो जुल्म मर्द पे डाल दिया, खाएं आप, जिबा किया मर्द ने, खाई आपने, खाने में आपको कोई इतराज नहीं? पकाई मैंने, मर्द के लिए पकाई, मर्द के लिए पकाई, आपने नहीं खाई उसमें से? खा लेती हूँ कभी कभी, खा लेती, आप तो पुदीना खाती हैं, जिबा करना पड़ता ना काटना पड़ता, बिल्कुल, सब्जियाँ, सब्जियाँ, हाँ, सब्जियाँ भी जानदार होती हैं, लेकिन उनको जिबा नहीं करती, आप गलत करेले पका लें, बद्दुआएं देंगे करेले, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा एक बताइए, ये जो मछली है इसको कितने तरीकों से बनाया जा सकता है? बेशुमार तरीके हैं, बेशुमार क्या, अगर इसमें जो समंदर है इसके नीचे आग लगा के गर्म पानी में पका सकते हैं? बता, मैं पकड़ना ही ना पड़े मछली को? समंदर के अंदर कुछ लोग कहते हैं जाके आग लगाते हैं, वो कुछ सल्फर वगैरह को जलाते हैं और फिर उसके ऊपर पकाते हैं। ये बात अगर मछली को पता चल जाए वो खुद ही अपनी दुश्मन मछलियां पकड़ पकड़ के पकाए ऊपर भेजती रहे, कितना अच्छा लगे। अगर जानवर खुद ही अपने आप को जिबा करके खुद ही पका ले, कैसे होगा ये? अब ये साइंस है ना, साइंस गाय के लिए बाजी,